वेलकम टी न्यूज उत्तर प्रदेश, नया सुबह 2022 का। और हमारे साथ बैठे हुए अनिल जी, और अभी हम लोग रामगढ़ ताल में है। और अनिल जी हमें बताएंगे कि जो ये बोट है इसमें कितनी सवारियां बैठती हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने अनिल जी का। जी नमस्कार। सर हमें कुछ इस बोट के बारे में बताएं। जी ये हमारी बोट जो है फैमिली बोट टाइप की है, इसमें स्पीड भी बनी हुई है। हमारी कंपनी जो है NNVS निषाद नौकायन विकास समिति है जो इसको संचालन करती है। इसमें एक कंपनी से जो आई है 10 लोगों की सीट है इसमें, लेकिन हम लोग सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए केवल 8 लोग को भेजते हैं एक बार में, उससे अधिक नहीं होती है। सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहना के भेजते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। और उसमें जैसे ये देखा जाता मानक के हिसाब से कम इसमें ट्यूब पड़े रहते हैं, कोई अगर अनहोनी हो तो हम लोग उसकी सुरक्षा कर सके। और जैसे कि देखा गया है कि ये गोरखपुर के लिए बिल्कुल अभी नया है, तो अभी इस साल जो है हमारे जो गोरखपुर के नगरवासी उनका उत्साह कैसा रहा है? सर अभी देखिए 1 जनवरी का था दिन था, और उसमें हम जानते हैं कि गोरखपुर में कम से कम 50,000 की संख्या पे JT बोट जो है गोरखपुर की जो नौकाय विकास समिति की है जो बनाया गया है रामगढ़ ताल के बीचों बीच में है। इतनी उत्साह थी जनता की कि मनो 1 किलोमीटर पीछे ही रोड ब्लॉक कर दिया गया था, और जनता जो है पैदल ही लोग आ रहे थे देखने के लिए कि हाँ ये गोरखपुर JT जो बना हुआ रामगढ़ ताल में है कैसा नजारा लगता है सुबह सवेरे का। और उसमें जैसे एक है ना कि प्राकृत की हर चीज मिलती है, हवा मिलती है रामगढ़ ताल की, पानी मिलती है, चहचहाट चिड़ियों की चहचहाट मिलती है, बहुत कुछ मिलती है। ये मन को एकदम भा जाता है, मनमोहक है चीज। आप लोग से हम यही गुजारिश करेंगे कि एक बार कम से कम आ करके रामगढ़ ताल नौका बिहार का आप लोग आवे और घूमे, आनंद उठाए उसका। जी। तो कुल मिला के ये हमारे गोरखपुर का विकास जिस हिसाब से हो रहा है, हमारे माननीय CM साहब ने विकास कर रहे हैं, ये बहुत हर्ष की बात है। कि जैसे अभी हम लोग अन्य शहरों में बोटिंग का लुत्फ लेते थे, और अब ये चीज हमारे गोरखपुर में भी आ गया है, तो लोग दूर दूर से कहाँ कहाँ सर आते हैं? सर जैसे कि अभी देखिए मध्य प्रदेश से आए थे, फिर बॉम्बे से भी लोग आए थे और उसके बाद में केरल ओरल से भी, जैसे टूरिस्ट टाइप के टूरिस्ट का। देखिए आपको लोग बता दें कि गोरखपुर में ये पहला टूरिस्ट रुझम है जो नौकायन विकास समिति को मिला हुआ है और यहाँ पर अब देखिए है नहीं, लेकिन इसको देखने के लिए जैसे मंदिर गोरखनाथ के बाद जो अगर कोई आता है तो रामगढ़ झील रामगढ़ ताल देखने जरूर आता है। अब बहुत दूर दूर केरल से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, फिर आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और एक बार जरूर आए करके यहाँ पर झील का नज़ारा भी देखते हैं, रामगढ़ ताल के देखते हैं। यहाँ पर एक हमारे झंडे लगे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश का पहला ऊंचा झंडा है, 275 फीट ऊंचा झंडा है वो है। ये योगी जी के हमारे CM साहब का सब देन है कि विकास जो है बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर चिड़ियाघर भी हमारे बनो यही नौकायन विकास समिति के और रामगढ़ ताल झील के ही किनारे हैं चिड़ियाघर है 500 मीटर पर, 50 मीटर पर ही अब देखिए वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यूपी का पहला है वाटर कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो गया है। योगी जी उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं 30 तारीख को दिसंबर 30 में है। तो पब्लिक और जनता को खींचने के लिए मनमोहक चीज़ जो है इतना यहाँ पर हो गया है कि अब देखिए अब जाड़े का मौसम है और शीतलहर आप देख रहे हैं चारों तरफ से, हमारे तरफ से कुछ दिखाई दे नहीं रहा है अब वो जो विदेशी चिड़िया भी अब आने चालू कर देंगी इसमें तो ये सब देखने के लिए अगर आप इसमें अगर आते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए यहाँ के लोग जैसे मानते हैं अभी केरल जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं तो ये नज़ारा देखने के लिए ठंडक के मौसम का, लेकिन वो आनंद जो है हमारा जो है यहाँ पर रामगढ़ ताल नौकायन पर जो है मिल रहा है लोगों को, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं समझ। और सर ये बोट की स्पीड लगभग मैक्सिमम कितनी हो जाती है? 160 की स्पीड इसमें है जिस समय है और जैसे कि 160 बहुत ज्यादा होता है ये ताल का, जैसे एक
छोर से दूसरे छोर जाने में केवल 2 मिनट लगते हैं इस बोट से। स्टेयरिंग संभालना है और पीछे बच्चे भी होते होंगे, छोटे छोटे परिवार वाले लोग भी होते होंगे, तो कितना सावधानी बरतते हैं आप चलाने में और स्पीड बढ़ाने में, कैसे तालमेल रखते हैं आप? बच्चे आते हैं, फैमिली आते हैं, हमें देख के चलाना पड़ता है। और लाइफ सेविंग का आइटम जो होता है, हम लाइफ जैकेट वगैरह सब अवेलेबल है हमारे पास, वो पहले पहना के हम पानी में भेजते हैं बोट में। फिर चालक को पहले ही समझाया गया है। जैसे ये तो अभी पहली बार यहाँ शहर में शुरू हुआ है, तो इसके पहले आप इसके पहले से चलाते रहे हैं कि यहाँ आकर ट्रेनिंग मिली है? सर मैं पहले से चला के आ रहा हूँ, मेरे को हो गए करीब 14 साल। कहाँ चलाते थे इसके पहले? सर मैं 3-4 जगह रहा हूँ, उड़ीसा में रहा हूँ, यहाँ आसाम में रहा हूँ, उसके बाद दिल्ली में हूँ, चौथी बार इधर आया। भैया अभी कुछ बेहतरीन हमारे दर्शकों को बताएं। जो हमको तो जैसे योगी जी ने उद्घाटन किया अभी वाटर कॉम्प्लेक्स का, और इतने ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं इस समय रामगढ़ ताल पर नौकायन करने के लिए, बहुत आनंद आ रहा है। जैसे यहाँ पर बगल में चिड़ियाघर है और इससे थोड़ी ही दूर पर वो तारामंडल है, तो आते हैं दरअसल पर्यटक तो यहाँ से वहाँ चिड़ियाघर और तारामंडल, फिर गोरखनाथ मंदिर जाते हैं, और पर्यटक इस समय ज़्यादा आ रहे हैं। कम से कम जो सड़कों पे ट्रैफिक जाम कभी कभी लग जाता है, लग जाता आए दिन लग जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने उसके लिए व्यवस्था कर रखी थी, चंपा देवी पार्किंग में वहाँ लगवा था। रामगढ़ झील में बोट में कोई जाम नहीं लग रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। जाम रहती है लेकिन इस बार हम लोग बोट बढ़ा दिए थे, इस बार योगी जी आए थे तो बोटिंग और कई बोट आ चुके थे, उसमें नया नया बोट आए हैं जी। सबसे ज्यादा सावधानी क्या बरतनी पड़ती है इसको चलाने में? सबसे पहले हमें जैसे ज्यादा हवा होती है तो हम उस टाइम बोट को नहीं निकालते हैं, क्योंकि हवा में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। वैसे बोट ये अच्छी कंपनी की अगर बोटें हैं तो वो कभी पलटती नहीं है सर, ये टेस्टिंग होती है। ऊपर पानी भी भर देंगे हम, पीछे से पानी निकल जाएगा सर। जितने आदमी की बोट है उस हिसाब से वेट डाला जाता है, 80 किलो के हिसाब से एक आदमी का कैसे हो जाती है तभी खरीदारी की। ठीक है, डीजल ऑपरेटेड जी सर, ये पेट्रोल है, 4 स्ट्रोक इंजन है इसमें है, और इसके वजह से तोशिबा की भी हमारे पास है, और जैसे यमहा की हमारे पास भी है ठीक ना, और फिर होंडा की भी हमारे पास है, 3-4 कंपनियों का हमारे पास इंजन पड़े हुए हैं है? और अच्छे किस्म के इंजन होते हैं इसमें, जैसे कि पानी में भी अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, वो चलता रहता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा लगा। और हमारे वहाँ जैसे कि मिनिमम जैसे किराया जो है हमारे वहाँ बहुत कम है, समझ लीजिए है, ये पैडल बोर्ड के हमारे वहाँ 35 रुपीज़ है। उसके बाद हमारे वहाँ एक बोर्ड है जैसे उसमें मल्टीपर्पज लोग जाते हैं, उसका 60 रुपया है। और एक स्पीड बोर्ड जैसे हमारे वहाँ 100 रुपये का है 1 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर का 200 रुपया है मतलब लग्जरी बोर्ड जो है। तो इस तरीके से हमारे वहाँ वो बनाना भी आ गया है। अब जैसे ठंडक के मौसम है तो थोड़ा बनाना में क्या चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, भीगने में आदमी को ठंडा लग जाएगा, तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि बनाना आके पड़ा हुआ है, गर्मी ज्यों आती है तो बनाना भी हमारे वहाँ चालू हो जाएगा, पड़ी हुई है बोर्ड, पड़ी हुई बनाना के हमारे वहाँ आकर के। डेली हम लोग का बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा, और आपने अपना कीमती समय दिया हम लोग के लिए, हमारे डी न्यूज की तरफ से, ग्रुप मेंबर की तरफ से बहुत बहुत थैंक। तो अभी जैसा आप लोग ने देखा कि स्पीड बोट पे सफर बहुत ही रोमांचपूर्ण रहा, और रियली सेफ्टी के साथ कोई भी चीज़ की जाए तो अच्छी लगती है, दुरुस्त लगती है। इस वक्त ये जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और इसको बोट जेटी का नाम दिया गया है। हमारे साथ अनिल साहब हैं, इन्होंने अपना कीमती समय हम लोग के साथ दिया स्पीड बोट पर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको मालूम होना चाहिए, आपके इसी शहर के हैं चूँकि, तो कई लोग अपनी व्यस्तता, कई लोग अपने बिजी शेड्यूल के नाते यहाँ तक नहीं पहुँच पाते होंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है, तो क्या इसका ज्योग्राफिकल और
पक्षी चिड़िया किस मौसम में आए वगैरह वगैरह सब। देखिए यहाँ पर जैसे हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से ये 3 से 4 किलोमीटर है, रामगढ़ ताल है एकदम सटे पैडलेगंज के ठीक पास से ही ये पड़ते हैं और इसमें ये 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो एक तरफ से इसकी 8 किलोमीटर पड़ेगी और सामने आमने सामने पड़ेगी 5 से 6 किलोमीटर पड़ती। और यहाँ पर देखिए जब आएंगे तो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से 440 के लमसम में सोलर पैनल लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था है। लेकिन सोलर पैनल से ये क्या होता है ना कि जैसे कि कभी लाइट गई तो आप सुरक्षित हैं और क्योंकि वो उसकी लाइट जाएगी नहीं, अलग अलग बैटरी बने हुए हैं है? वो सभी सुरक्षा की दृष्टि से। अब जिसमें सुरक्षा ज़्यादा होता है बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें सुरक्षा होता है महिलाओं के विशेष ध्यान में सुरक्षा चाहिए है कि लाइट अगर चली जाएगी, अगर कोई बात हो जाएगा या चोर है जैसे चाइनीज कैचिंग कर लें चाहे कुछ भी कर लें, इसे यहाँ पर जनता देखा कि पुलिस भी काफ़ी एकदम यहाँ पर निसंकोच आदमी जो है 12 बजे रात तक ले 2 बजे रात तक ले घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस चौकसी भी यहाँ बहुत है सुरक्षा के दृष्टि से, योगी जी का सरकार है तो इसमें जैसे कि क्या है कि बहुत ही सुरक्षा है। और हमारे ये जिसको हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर जो पब्लिक आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे आगे पीछे देख रहे होंगे, इसको बोट जेटी बोलते हैं, रामगढ़ ताल बोट जेटी है। ये पानी के 500 से 5 आधा किलोमीटर के अंदर में पूरा फैला हुआ है और ये बीच में है, इसमें फुवारे वारे भी लगे हुए हैं, ये कैंटीन भी आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास के उन्हें कैंटीन में हर सुविधाएं मिल जाएगी, टिकट घर भी है और बैठने के लिए जैसे कुर्सियाँ भी लगे हुए हैं है? चारों तरफ छतरी भी लगे हुए हैं धूप छाव के लिए है, ठीक ना, बारिश के मौसम में भी बहुत आनंद आता है यहाँ पर है? इसका ये ब्रेथ वही 5 से 6 किलोमीटर और लेंथ करीब 8 से 10 किलोमीटर के लेंथ है, लेकिन इसकी गोलाई जो है 20 किलोमीटर के लमसम में फैले हुए हैं 20 किलोमीटर के हैं। अब ये हमारे योगी सरकार की पहल है, करीब लगभग में आइए टहलते हैं, वो कुछ अच्छा सा दिख रहा है आई लव गोरखपुर उसको भी कवर कर लेते हैं। एक गोरखपुर आई लव यू गोरखपुर लिखा हुआ है, ये बहुत ही मनो अच्छी चीज़ है और यहाँ पर जैसे कि जो पब्लिक आती है जो जनता आती है वो सेल्फी पॉइंट है, इसको कहते हैं हम लोग सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट से देखते हैं। और अभी जैसे कि 26 जनवरी आने वाला है तो उसके वजह से जैसे आप देख रहे होंगे कि झंडे का जो है वो रंगाई चल रही है, उसके खाली खंभे दिखाई दे रहे होंगे हैं आपको, ये झंडे जो है उसके देखिए 275 फीट ऊंचा झंडा है, ये 275 फीट झंडा ऊंचा है इसका है और ये अभी इसमें फ्लैग लग जाएंगे, एक दो दिन में लग जाएंगे इसमें फ्लैग लग जाएंगे और नीचे स्तंभ भी बना हुआ है अशोक का है और बहुत ही गदरिंग जैसे मान लिया जाता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त इतनी जनता आती है कि लगता है हाँ कि भाई है कुछ है, गोरखपुर में भी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गोरखपुर को कई चीज़ें मिली हैं है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं इस समय, जैसे रामगढ़ ताल जेटी बोर्ड मिला है, वाटर स्पोर्ट मिला है, चिड़ियाघर मिला है हैं और सांस्कृतिक प्रेक्षागृह भी मिल गया है हैं और दिग्विनाथ पार्क भी मिल गया है हैं, चंपा देवी पार्क मिल गया है जैसे, तो ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें जो है गोरखपुर की जनता को मिल गई है, ये सरकार की फर्टिलाइजर सर आपको मिल गए हैं। वेलकम इन आवर चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी हम लोग रामगढ़ ताल लेक पे हैं और अभी आपने देखा सुपर बोट उसकी सवारी किया, उसके बारे में आप लोगों ने जाना, उसकी खूबियों को देखा और जो हमारे मैनेजर साहब थे उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में। तो जैसा कि वाकई गोरखपुर बदल रहा है, आप लोगों ने देखा पहले एक रामगढ़ ताल सिर्फ रामगढ़ ताल हुआ करता था, जलकुंभी वगैरह भरा हुआ था, तो अभी इसकी साफ सफाई आपने देखा किस हिसाब से पूरी की पूरी ये साफ है। तो हमारा गोरखपुर वाकई बदल गया है, बदल रहा है, विकास कर रहा है। जैसे अभी हम लोग बाहर लखनऊ कानपुर दिल्ली पटना इलाहाबाद की तुलना करते थे कि वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, दुकानें हैं, मॉल है, तो अभी सारी सुख सुविधाएं अपने गोरखपुर में भी विकास कर चुका है, सड़कें हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। तो अभी हम यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं
न्यू ईयर मनाने के लिए कुछ लोगों से रिव्यू लेंगे, जानना चाहेंगे कि न्यू ईयर कैसा लगा। तो सबसे पहले कुछ भैया दिख रहे हैं, भैया नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है जी। तो प्रशांत जी से मुलाकात हो रही है, तो न्यू ईयर आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? बस यही, यहाँ आके घूम के रामगढ़ ताल, चिड़ियाघर और ये सब घूम के एंजॉय किया गया। तो इसके पहले रामगढ़ ताल और अब के रामगढ़ ताल में क्या अंतर है आपको? बहुत अंतर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आने पे, और इतना अच्छा लग रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि हम लोग का पुराना गोरखपुर है, एकदम बदल गया है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, रोड भी बहुत अच्छा हो गया है, म्यूजिक लग गया है वहाँ पे, अपना लाइट आई है तो वहाँ पे म्यूजिक सुनाई देता है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब अपना जो गोरखपुर है बदल गया है, गोरखपुर में गर्व हो रहा है। बहुत सारे से गर्व, मैं तो ये चाह रहा सीएम साहब एक बार और मुख्यमंत्री बने, दो चार 10 साल और 20 साल बहुत बेटर रहेंगे। शुभम कसौजन। बेरोजगारी हर सरकार में मुद्दा रहती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। 2 साल कोविड का भी दिक्कत था, कोविड सब सही हो रहा है धीरे धीरे, दिन से अमेरिका कौन हो गया, तो भाई दिक्कतें तो हैं, दिक्कतें सही होंगी कुछ दिन में, समय लगेगा। न्यू ईयर कुछ अच्छा लगा हमको। कैसे आपने सेलिब्रेट किया? वैसे तो हम ज्यादा सेलिब्रेट किए नहीं, बस ठंडी के कारण हम घर में ही रहे। गर्मी थे? गर्मी। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गोरखपुर के। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे 3 शोर पॉइंट्स बने हुए हैं, एक तो आपका छोटा सा जो फेरी टाइप बोट है उसके लिए है, और वो प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म जहाँ पे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला होगा ताकि भीड़ भाड़ बहुत कम रहे। अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यूल हैव द एक्सेस टू द मोटर बोट्स, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती है, और जो उसको चलाने वाले कैप्टन हैं बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, और बिलो कैपेसिटी उसके टिकट्स अलाउ किए जाते हैं सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ताकि इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स बैकअप लाइट सिस्टम यहाँ तुरंत अवेलेबल हो जाए। कभी कभी जब सब कुछ अच्छा होता है तो द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा ही होता है। वी आर लकी टू मीट द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ सरोवर रेस्टोरेंट। आप किसी मीटिंग में जा ही रहे थे कि हम लोगों ने इनका दो मिनट कीमती वक्त रिक्वेस्ट किया। तो सर बैकग्राउंड में तो हम लोग देख रहे हैं अच्छा खासा मेन्यू है, मुंह में पानी भी आ रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश। यहाँ का फूड काफी अच्छा है, जो भी यहाँ के रिच फैमिली लोग आते हैं तो बोलते हैं भाई यहाँ का जो आपका सूप है, जो डिशेज है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ज़्यादा लोग आते हैं, we have numerous repeated customers, like रोज कस्टमर्स कोई ना कोई रिपीटेड आते ही आते हैं। Do they come for the celebration of birthdays? Yeah, they do come. Like we also arrange birthday parties and all everything. Like we can manage to a capacity of 150 to 200 people at a time. The taste is open. The reflection of your taste is coming by the beautiful music background. Exactly. I mean that shows there has to be something sober while you're eating, you know, like you have to listen something good. Or it may be a serene atmosphere. Obviously that add up to the charm of the restaurant. Because मेरे यहाँ पे veg है, और उनको जो क्वालिटी और जो टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है उनको पूरे गोरखपुर में, क्या वो बोलते हैं हमको पूरे लखनऊ में नहीं मिल रहा ये चीज। जब पार्टी ऑर्डर रहते हैं देन आई कैन अरेंज। अभी पार्टी हुई थी, अभी सारा चीज अरेंज किया गया। वो का हवा से ना सर कि जब ऊपर वाला सुन लेता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, यहाँ रामगढ़ ताल फाड़ के दे रहा है। आप नॉन वेज शुरू कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी खूब बटे। ये वही जगह है, बस फर्क इतना है कि हम लोग उस वक्त जमीन से 10 फीट नीचे थे लेक में, इस वक्त 10 फीट ऊपर हैं इस ब्यूटीफुल सरोवर रेस्टोरेंट में। अभी जिनके ओनर से और उनके
बातचीत गुफ्तगु हो रही थी. But I am astonished about the excellent interior and some mind-blowing ideas about the lighting system. और इन लोगों ने बहुत ही डिजाइनर और आर्टिस्टिक एंड द म्यूजिक बैकग्राउंड और रियली एंड सरोवर रेस्टोरेंट गिव्स यू टोटल आइडिया ऑफ दैट यू आर आप किसी गोवा के रेस्टोरेंट में बैठे हैं जैसे. एंड अभी तो फिलहाल ये वेजिटेरियन है बट इन कमिंग डेज जैसे अभी हम लोग ने बातचीत किया था इनसाइड द रूम दे आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन वेज ऑल्सो वेरी सून. और काफ़ी अच्छा खासा एरिया है आई थिंक इट्स 50 feet 50 by 25 feet और क्राउडेड नहीं है. मूवमेंट के लिए इनफ स्पेस है, गैलरी है. और यहाँ से बेहतरीन नज़ारा आपको पूरा दिखेगा लेक का. ये दी एंड है यहाँ का एंड दे रियली लुकिंग वेरी नाइस. द टाइम फॉर सनसेट अराउंड 5:30 PM. यहाँ से दूर दूर तक लेक व्यू आपको नजर आ रहा होगा फैमिली में. एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग. यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं जो भी कस्टमर्स हैं कैसा लग रहा है आपको? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. खूब ज्यादा से बताइए ताकि और भी लोग आए. ये बहुत अच्छा ये प्लेस है और यहाँ आना चाहिए सभी. मतलब अच्छा व्यू है, सनसेट भी होता है मॉर्निंग में भी, वॉकिंग पे भी लोग यहाँ आते हैं. लोकल करीब में रहते हैं? हाँ जी, मैं यही रहती हूँ. थैंक यू. हाँ हेलो, सब बढ़िया है? तीन नूडल्स इन योर प्लेट. आप ब्रांड तो खाते रहिए, बोलते रहिए. नहीं नहीं, बढ़िया. टेस्ट एक्सपीरियंस भी बढ़िया है और सर्विस भी बढ़िया है और एटमॉस्फेयर तो काफ़ी बढ़िया है. कुल मिला के बढ़िया एक्सपीरियंस. तो फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो? हाँ, फर्स्ट टाइम. तो आप आते रहिएगा. हाँ हाँ, बढ़िया है. लोकेशन भी बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है. इम्प्रूवमेंट हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन वैसे ठीक है, बढ़िया सर. यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कई बार आ चुके हैं और इस बार हम लोग पूरे टीम के साथ आए हैं. अपने सहारा वाले हम लोग हैं, हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं. नया साल भी इसी बहाने मन जा रहा है. थैंक यू. अपस्टेयर्स इस इलाके को बयां करने के लिए काफी होगा. दिस साइड इज योर लेक एंड बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस गेट जो कि झिलमिला रहा है रंगीन झालरों से, आपके स्वागत करने के लिए तैयार है. बोट दी हार्बर्स जो आपको स्पीड बोट और फेरी बोट के करीब ले जाएंगे. मेरे इस तरफ है और इसके साथ ही साथ जब हम सामने की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं उधर से रोड की तरफ तो देखिए कितना सुंदर स्ट्रीट लाइट्स है देयर. समथिंग सिमिलर टू द नेरिमन पॉइंट्स, उस तरह तो नहीं हो सकता लेकिन नेकलेस की तरह लग रहा है ये भी. क्राउडेड सिटी बट अ वेरी वेल मैनेज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम. रामगढ़ ताल के खूबसूरत नज़ारों को दिखाने के बाद हम वापस चल रहे हैं. बट बिफोर लीविंग ऑल ऑफ यू
I like to show you the excellent Gautam Buddha Dwar, जो कि हमारे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा. So have a view. And once again, a very happy new year, छोटे बड़ों बच्चों सभी. Thank you.